भारत के हर गांव व हर शहर से कबूतरों को भगाना जरूरी है, क्योंकि कबूतरों की बीड़े जहरीली होती है जो वायुमंडल में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को फैलाती है। कबूतर जहरीली चीजों को भी पचाने की क्षमता रखता है तथा यह शांति का प्रतीक न होकर बीमारी का प्रतीक है, इसीलिए कबूतरों को भगाना जरूरी है। हिंदुस्तान में कबूतरों को दाना देने की परंपरा की शुरुआत जैन बनियों के द्वारा की गई है। पहली बात तो यह है कि जैनी बिना किसी उद्देश्य से किसी को खिलाना तो दूर की बात है, बल्कि बात भी नहीं करेंगे। पूरी पृथ्वी का सोना चांदी हीरा पन्ना खुद खाके बैठे हैं। विश्व के मानव वंश को भूखा नंगा कर दिया है। इनके घर का खाना पीना मानव वंश के लिए मल मूत्र के बराबर है। ऐसी स्थिति में बनिए लोगों के द्वारा रोड पर चलते लोगों को पकड़ पकड़ कर आम रस व पूरी खिलाना एक बड़े रहस्य का पर्दाफाश करता है। धर्म की आड़ में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करना खुद के धनवान होने का पाखंड है। गुप्त इंद्रियों की पूजा करवाने का प्रचलन चलाकर मानव मर्यादा को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। अनूप मंडल के अलावा कोई भी इनके पाखंड को उजागर नहीं करता है। मानव जाति के भले के लिए एक बड़ी उम्मीद के साथ कि आप इस संदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। विश्व में मानव व दानव जाति की समस्त ऐतिहासिक लड़ाइयों की शुरुआत व अंत का वर्णन अनूप मंडल के पवित्र ग्रंथ जगत हितकारी, आत्म पुराण, न्याय चिंतामणि व भजनावली में है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने भी इन जैनियों के पाखंडों का पर्दाफाश ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में किया है। स्वामी जी वैदिक संस्कृति बचाने हेतु विश्व स्तर पर मुहिम चला रहे थे कि तभी उन्हें षड्यंत्र करके मरवा दिया गया। अनूप मंडल सिरोही से राजू सैन।